नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 11 से मल्टीप्लिकेशन करने का एक बढ़िया फॉर्मूला सीखेंगे, जिससे आप जो भी आपकी कैलकुलेशन है जहां पर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर को, तो उन सम्स को आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला या जो भी आप ट्रिक कहें इसको हम लोग सीखेंगे, तो ये वैदिक मैथ का एक फॉर्मूला है। और अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर आपको कैलकुलेशन को बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी सॉल्व करना होता है, तो वहां पर ये कैलकुलेशन का फॉर्मूला आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे इस वैदिक मैथ के फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, कैसे किसी नंबर को हम जल्दी 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आइए इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट एक नंबर है 47, इस नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है 11 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए, कि जिस नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है उसके आगे और पीछे दो छोटे से डॉट इस तरीके से लगा लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, दो डॉट मैंने आगे पीछे लगा लिए। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें राइट साइड से 2-2 डिजिट करके सम करना है, ठीक है। और जब हम सम करेंगे तो इन डॉट का वैल्यू हमें 0 कंसीडर करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मैंने सम किया डॉट प्लस 7, तो इस डॉट का वैल्यू 0 है, तो सम हमारा आ गया 7। ये मैंने पहले इनको दोनों को सम किया, उसके बाद हम इन दो डिजिट का सम करेंगे 7 प्लस 4, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया 11। ये जो 1 है इसको हम कैरी कंसीडर करेंगे। अगला जो सम डिजिट है दैट इज 4 प्लस डॉट का सम करना है, डॉट का वैल्यू 0, तो ये 4 आ गया और ऊपर से कैरी हमारा आ गया 5। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें नीचे से स्टार्ट करते हुए इस नंबर को नोट कर देना है 517। तो ये 517 हमारा ये आंसर होगा, हो गया। तो देखा आपने, बहुत सिंपल सा ट्रिक है, और कितने जल्दी हमने इसको यूज़ करके इस मल्टीप्लिकेशन को हमने सॉल्व कर लिया। आइए इसको अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल और देखते हैं। तो ये जो ट्रिक है ये 11 से मल्टीप्लिकेशन के लिए ही है। तो आइए किसी और एक नंबर को हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करते हैं इस ट्रिक को या इस वैदिक मैथ के फॉर्मूला को यूज करके। तो एक और नंबर 65, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 11 से। तो जैसा मैंने बताया है आपको, इसके पहले हम लोग आगे पीछे दो डॉट लगा लेते हैं, इसके बाद हमें राइट साइड से स्टार्ट करते हुए 2-2 डिजिट को सम करना है। तो सबसे पहले मैंने इस डॉट और 5 को सम किया, डॉट का वैल्यू 0 कंसिडर करते हुए 5 आया, देन 5 प्लस 6 आया 11 आया, 1 कैरी लेके जाएंगे। उसके बाद 6 प्लस डॉट 6, 1 कैरी ऊपर से लिया हमने, तो ये 7 आ गया। आंसर नोट करेंगे, हमारा 715 हमारा आंसर हो गया। चलिए एक दो बड़े नंबर भी लेके देखते हैं हम लोग। एक और सम लेते हैं हम लोग, ये 693 है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ। तो ये मैंने दो डॉट आगे पीछे लगा लिए, देन डॉट प्लस 3 3, देन 3 प्लस 9 12, 1 कैरी लेके जाएंगे, 9 प्लस 6 15, ऊपर से 1 कैरी आया हमारा, तो हो गया 16, कैरी लेके जाएंगे, देन 6 प्लस 8, ऊपर का 1 कैरी लिया तो 7। तो आंसर हमारा हो गया 7 6 2
3। ये आंसर हो गया हमारा। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। तो एक सम नॉर्म ले लेते हैं हम लोग, सपोज दैट ये फिगर है, हाँ 912। 912 का मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ। कैसे करेंगे? दो डॉट लगाए हमने, सबसे पहले डॉट और टू को सम किया 2, देन 2 और 1 का सम किया 3, 19 का सम किया हमने आया तो 10, 1 कैरी लेके जाएंगे, देन 9 और डॉट को सम किया तो 9 आया, बट 1 ऊपर से कैरी आया हमारा तो 10। तो आंसर हमारा आया 10032। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से हमने इस वैदिक मैथ के फॉर्मूला को यूज़ करके हमने 11 से जो मल्टीप्लिकेशन था, एक बिग नंबर था, उसको हमने कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया। इस तरीके से आप किसी भी बड़े नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके आप उसको आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, उसको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट है, कहीं आपको कुछ समझने में डिफ़िकल्टी हुई हो, तो आप प्लीज़ कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन को यूज़ करके उस क्वेरी को पूछ सकते हैं, और वी विल बी हैप्पी कि हम उस क्वेरी को आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर दें जिससे आपको समझने में आसानी हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।